है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, श्री राम भगवान की महाआरती कर मनाई खुशियाँ, गणपति महोत्सव को लेकर शिवसेना की हुई बैठक, प्रधानमंत्री ने दादी हरदे मोहिनी को दी रक्षाबंधन की बधाई, पालिका पार्षद ने वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग, लॉकडाउन के विरोध में व्यापार मंडलों ने सौंपे ज्ञापन, मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक संपन्न हुई, विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम भगवान की महाआरती कर मनाई खुशियां। लहिकावत की रिपोर्ट के अनुसार शहर की बड़ी सब्जी मंडी में श्री शीतला माता व्यवस्था समिति एवं मां गौरी ग्रुप के तत्वावधान में अयोध्या में श्री राम मंदिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में भगवान राम की प्रतिमा लगाकर ठीक उसी समय आरती की गई जिस समय भगवान राम जी के मंदिर की शिला रखी गई, साथ ही एक शिला की पूजा भी की गई जिसे भगवान राम जी के मंदिर निर्माण में पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई एवं श्री राम भगवान की जयकारे भी लगाई गई। इस मौके पर समिति के कमल किशोर मिश्रा, कमल गर्ग, नरेश बंसल, मुकेश मिश्रा, विजय गोयल, बज्रमोहन बंसल, महेश बढ़ालिया, दीपक गोयल समेत कई भक्तजन मौजूद थे। गणपति महोत्सव को लेकर शिवसेना की हुई बैठक। लहिकावत की रिपोर्ट के अनुसार गणपति महोत्सव को लेकर शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। जीप खेड़ा महादेव मंदिर में प्रदेश संपर्क प्रमुख अमृत राजपुरोहित, शिवसेना जिला प्रमुख रमेश रावल, पूर्व प्रदेश संयोजक महेश राठी, जिला प्रवक्ता परवीन वैष्णव के मुख्य अतिथि के रूप में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख रावल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं सर्वप्रथम शिवसेना के पदाधिकारियों ने अयोध्या में श्री राम भगवान के मंदिर का जिसमें शिवसेना जिला प्रमुख रावल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया वहीं सर्वप्रथम शिवसेना के पदाधिकारियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, इसको लेकर शिव सैनिकों ने राम धुन लगाई एवं जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं गणेश महोत्सव के दौरान कोरोना संबंधित समस्त एडवाइजरी का पालन करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने दादी हरदे मोहिनी को दी रक्षाबंधन की बधाई। लहिकावत की रिपोर्ट के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हरदे मोहिनी तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बधाई दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दादी का आशीर्वाद हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करता रहता है। रक्षाबंधन के अवसर पर संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हरदे मोहिनी का संदेश दादी रतन मोहिनी ने भेजा था, जिसमें दादी ने पीएम को भेजे संदेश में कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में मुझे पूर्व विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जल्द ही इससे उबरने में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। सरकार का पुतला दहन की चेतावनी दी। पार्षद सांवरिया ने ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका अबरोड ने विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों हेतु
टेंडर आमंत्रित किए थे जो नियत तिथि पर निकाले जा चुके हैं, किंतु आप अधिशासी अधिकारी द्वारा चिर परिचित हर धर्मिता एवं निजी दुर्भावना के कारण निकाले टेंडरों के वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे दीर्घकालीन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वार्ड वासी निरंतर वार्ड पार्षद को उलाहना दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने शीघ्र वर्क ऑर्डर करने की मांग की। लॉकडाउन के विरोध में व्यापार मंडलों ने सौंपे ज्ञापन। लई के अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का प्रकोप आबू रोड में शहर में भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने आबू रोड में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा की। वहीं 7 जुलाई से 7 दिन के लॉकडाउन करने की घोषणा के बाद आबू रोड के समस्त व्यापारी संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर लॉकडाउन का विरोध किया। आबू रोड के कपड़ा, फोटोग्राफी, रेडीमेड, सोनी, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला संचालकों, चाय की थड़ी, किराना सहित विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आबू रोड तहसीलदार को सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए लॉकडाउन नहीं करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक संपन्न हुई। पार्टी चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिला कलेक्टर कार्यालय के बीसी कक्ष में कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कोविड-19 व कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सह मंत्री राव गोपाल सिंह कोसालिया के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तथा उनके शिष्ट मंडल के साथ राजस्थान के समस्त कर्मचारी महासंघों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक हुई। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़, कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़, महामंत्री राकेश शर्मा ने कर्मचारियों का पक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के समक्ष रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को गंभीरता से सुनकर 1 महीने बाद सभी की मांगों पर पत्रों पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत दी जानकारी। लई के अहमद की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत बाल महिला विभाग द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आबू रोड के वार्ड नंबर 14 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हीरा मणि प्रजापति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक किया गया। हीरा मणि ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि पहले 6 महीने तक बच्चे के बड़ा होने के लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है और बच्चे की जरूरत हिसाब से माँ के दूध में पानी की उपयुक्त मात्रा होती है, जिसके चलते बच्चे को माँ का दूध अवश्य पिलाने की बात कही गई। इसी दौरान वार्ड की महिलाएं मौजूद थी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।